नमस्कार, हम और आप जिनसे होने जा रहे हैं उनका स्केच कुछ इस तरह है। महिला है, पॉलिटिशियन है, बहुत तेज तर्रार, दबंग और जोशीले भाव की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। लोग कहते हैं कि जहां भी जाती हैं विवाद इनका इंतजार कर रहे होते हैं या ये विवादों का काम दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों की मसीहाई के दावे करना और नाम मायावती। बहुजन समाज पार्टी की महा और राज्यसभा सदस्य कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में हुआ। उनके पिता प्रभुदास टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। 8 भाई बहनों में मायावती दूसरे स्थान पर आती हैं। मायावती ने 1976 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में दाखिला लिया और साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। 1977 में कांशीराम के में आई और तभी से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद मायावती ने स्कूल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1984, 85 और 87 में वह क्रमशः उत्तर प्रदेश के कैराना, बिजनौर और हरिद्वार से लोकसभा चुनाव में बहुजन पार्टी की उम्मीदवार बनी, लेकिन तीनों बार हार गईं। 1989 के आम चुनाव में मायावती बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी की पहली मेंबर बनी। 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ी। इस बीच कांशीराम ने उन्हें पार्टी महासचिव बना दिया। 1994 में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनी। फिलहाल मायावती बहुजन समाज पार्टी में कांशीराम के बाद नंबर 2 की हैसियत में है।